हाँ आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, RELIESED, द नीड ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स WEIGSTS कॉमा मेजर्स MEASURES मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी समझा दे रही हूँ। देखिए स्टैंडर्ड वेट्स का मतलब है उन्होंने जैसे व्यापार करते थे ना, आज की तारीख में आप जाते हैं तो 100 ग्राम है तो 100 ग्राम यहाँ भी उतना ही है, हर देश में उतना ही है, 100 ग्राम एक स्टैंडर्ड वेट हो गया। लेकिन पहले एक स्टैंडर्ड वेट नहीं था, जैसे मेजरमेंट करते थे तो लोग ऐसे ये पाम है, पाम से मेजर करके दे रहे हैं यूँ कर करके। अब किसी का पाम बड़ा है, किसी का पाम छोटा है, तो वो स्टैंडर्ड मेजर तो नहीं हुआ। इसी तरह करेंसी नहीं होती थी, सबकी अपनी अलग अलग वो थी। आज तो ये है कि अगर आपने डॉलर में, आप कहेंगे उनकी डॉलर है, लेकिन ये तो फिक्स है, हाँ इतने रुपए का एक डॉलर है, हम उतने डॉलर खरीद लेंगे। पहले क्या होता था, लोग दूध के बदले में ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता था ना हमारी नीड पर। सपोज करो आपके पास जूते हैं, मेरे पास दूध है, इसके पास घी है, और जूते मुझे भी चाहिए, इसको भी चाहिए, लेकिन आप उसको दोगे जिसकी आपको ज़रूरत है, चाहे घी की ज़रूरत है, चाहे किसी की ज़रूरत है। लेकिन फिर क्या हुआ, करेंसी आई, करेंसी से सारी प्रॉब्लम फिनिश हो गई, पैसा दो और चीज़ लो। तो ये उस समय तक आई नहीं थी, मतलब इन लोगों ने महसूस किया ज़रूरत को, छोटे बिजनेसमैन ने, कि भाई हमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें फिनिश हो गया, हेडिंग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मनी, इटली, जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इंटू किंगडम्स, इनको राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर मोनार्चीज, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में राजा का राज्य था, वर अंडर मोनार्चीज, MONARCHIES, मोनार्चीज मतलब राजा का राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनका कोई कॉमन नहीं था एक लैंग्वेज अब तक, एंड बिलोंग्ड टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ETHNIC, बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप मतलब जो हमारे समाज के ग्रुप होते हैं ना, सोशल ग्रुप्स, उन्हें एथनिक ग्रुप कहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हमारे यहाँ फिर भी एक कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, एक चीज़ कॉमन कर दी गई, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, अपने अपने लैंग्वेज बोलो, अपने अपने सब कुछ, मतलब नेशनलिज्म नहीं थी। तो यहाँ पर ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एकता। तो धीरे धीरे एकता कैसे आनी शुरू हुई। बोहेमिया, BOHEMIA, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, बोहेमिया ये जगह के नाम है, उनमें राज्य जो थे स्टेट्स,
टायरॉल कॉमा करके TYROL एंड ऑस्ट्रिया AUSTRIA वर जर्मन स्पीकिंग, ये जर्मन स्पीकिंग राज्य थे। नेक्स्ट लोम्बार्डी LOMBARDY लोम्बार्डी एंड वेनेशिया VENETIA वर इटालियन स्पीकिंग, ये 11 marks में आ सकते हैं। सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट ईजली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अलग है सेंस, अलग है SENSE सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब सब लोगों में इतना भेदभाव था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप में रहते थे, तो पॉलिटिकल यूनिटी कहाँ से होती, ये है इसमें। अगला हेडिंग डालिए The Aristocracy एरिस्टोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है अफसरशाही, इंग्लिश में हो गया ऑफिसर ग्रेड। जो ऑफिसर ग्रेड के पीपल होते हैं ना, जैसे IAS PCS, तो उनको एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, मतलब ऑफिसर्स का क्या रोल था, ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बड़े वाले। देखिए द एरिस्टोक्रेसी वॉज, फर्स्ट पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या थी, एक डोमिनेंट क्लास थी। डोमिनेंट क्लास का मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था, हाँ तो प्रभावशाली तो हुए हिंदी में, दूसरे को तो वही दबा पाएगा ना, प्रभावशाली इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव डोमिनेंट यहाँ पर वही मीनिंग है। बट दे हैव रीजनल डिवीजन्स REGIONAL रीजनल डिवीजन्स, दे स्पोक फ्रेंच, इन द हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी की लैंग्वेज फ्रेंच थी ना, जैसे हमारे आज हाई सोसाइटी की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। अगर आप कितने भी एजुकेटेड हैं, कितने भी रिच हैं, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो लोग आपको इन्फीरियर समझते हैं। इन द हाई सोसाइटी इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप, एरिस्टोक्रेट्स का एक छोटा ग्रुप था। नेक्स्ट पॉइंट है अलग, तो एरिस्टोक्रेसी तो क्या थी, एक छोटे ग्रुप के लोग थे, फ्रेंच बोलते थे, और रीजन, लेकिन एक ये भी नहीं थे, इनमें रीजनल डिविजन्स थे भी, मैं इस रीजन का तो उस रीजन का, कि जैसे कहे हम कहें मैं यूपी का तुम बिहार के, तो उसे कहते हैं रीजनल डिविजन्स। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर पॉपुलेशन वॉज ऑफ पीसेंट्स, पॉपुलेशन वॉज ऑफ पीसेंट्स PEASANTS, मतलब माइनॉरिटी में तो एरिस्टोक्रेट्स थे और मेजॉरिटी में कौन थे, पीसेंट्स। द बल्क ऑफ द लैंड, द बल्क ऑफ द लैंड, बल्क का मतलब बहुत सारी, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय farmed 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 मतलब खेती करना, बाय टेनेंट्स
TENANTS, टेनेंट्स मतलब किराएदार, एंड स्मॉल ऑनर्स OWNERS, खेती कौन करते थे, या तो किराएदार करते थे या जो छोटी जिनकी ज़मीन के टुकड़े थे वो करते थे, मतलब जो बड़े लैंड ऑनर थे वो अपनी ज़मीन किराए पे दे दिया करते थे, खुद से खेती नहीं करते थे, समझ कुछ नहीं करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, और ऑब्वियस सी बात है, जभी तो आज भी आप देखिए जो जितना बड़ा हो जाएगा, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा वो खुद काम थोड़ी करता है, वो केवल लोगों से कराता है, बीच के से लोग खुद काम करते हैं। अब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं तो अपने रेस्टोरेंट्स स्कूल्स बना के छोड़ देते हैं, भाई हायर कर लेते हैं लोगों को, तो वो सब कुछ चलाते रहते हैं उनका, लेकिन हम जैसे लोग तो खुद काम करने जाते हैं ना अपने आप से। हाँ तो ऐसे तो ये हमारा अपना वो है ना मैनेजमेंट, तभी तो फिर कॉफ़ी कैफे डे का नहीं बताया था मैंने, अब पूरी दुनिया में खोला, अंत में मर गया ना कूद के, फिर ये अपना अपना मैनेजमेंट है ना। अब जैसे मुकेश अंबानी चला रहा है, मतलब जियो यहाँ भी बिक रहा है वहाँ भी बिक रहा है, एक ही तो ऑनर है वो, लेकिन वो सक्सेसफुली उससे भी प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो हमारे पास इतना दिमाग भी तो हो। हाँ तो उसमें लोग वो लगाते हैं ना आजकल, कितने कैमरेज हैं और ये सब कुछ, आपका कंप्यूटर से कटता है सब कुछ बिल विल, लेकिन फिर भी मैनेजर क्या करता है। पहले मैंने देखा था सागर रत्ना में, अंदर कंप्यूटराइज बिल कटता था और बाहर एक शाम को खोलते थे, अगर बाहर से लो तो बाहर से कैश पे ले लो वही चीज़, मतलब अंदर 120 का डोसा है, बस बाहर बैठ के खा रहे हो तो 100 रुपये में दे रहा है, मतलब क्या था कि वो अनऑथराइज्ड था। सागर रत्ना का जो मालिक था वो तो कंप्यूटराइज